खबर है भिवाड़ी से। भिवाड़ी में अनमोल फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक बार फिर से भिवाड़ी में मिले एक अनजान व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया। इस बार फाउंडेशन ने पूरे मंत्र उच्चारण के साथ उस अनजान व्यक्ति का दाह संस्कार किया। वहीं फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मवार ने इस व्यक्ति के शव को मुखाग्नि देकर उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। भिवाड़ी पुलिस को करीब 3 दिन पूर्व भिवाड़ी के ढावा कॉम्प्लेक्स के चौक पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की काफी तलाश की, लेकिन जब उसके परिजनों का पता नहीं चल पाया तो पुलिस ने इस पुण्य कार्य में जुड़े फाउंडेशन से संपर्क किया। टीम के सभी लोगों ने भिवाड़ी उप जिला अस्पताल में पहुंचकर उस शव को अपनाते हुए उसका पंचनामा कराया। हिंदू रीति रिवाज के तहत मोक्ष धाम में उसका अंतिम संस्कार किया। फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मवार ने बताया कि फाउंडेशन ने करीब 1 साल पहले इस सेवा को निभाने का जिम्मा लिया था। तभी से लेकर अब तक फाउंडेशन करीब 15 से ज़्यादा मृतकों को अपना परिवार मानते हुए गंगा जाकर उसकी अस्थियों को विसर्जन किया। इस सेवा में रोटरी क्लब भिवाड़ी का भी काफ़ी सहयोग रहा। इस सेवा में कुलदीप मवार, पोरस सिंह, चंद्रभान, विनीत सिसोदिया, विनोद कपूर, ललित खुराना, दीपक गोयल, दीपक अरजेजा, कार्टून गर्ग सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।